नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और आइए खबरों का सिलसिला शुरू करें। उसके पहले एक बड़ी खबर हम आपको बता दें। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कांग्रेस के सारे नेताओं ने कमलनाथ को नकार दिया है, मिश्रा नाथ के नाम पर ही कोई सहमत। मिश्रा ने कहा कि नाथ के नाम पर कोई सहमत नहीं है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का एक बार फिर कमलनाथ पर निशाना। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सारे नेताओं ने नाथ को नकार दिया है, नाथ के नाम पर कोई सहमत नहीं है। ये कहना है गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का। कांग्रेस पर फिर हमलावर गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, कमलनाथ पर सीधा हमला बोला उन्होंने। उन्होंने कहा कि नाथ के नाम पर कोई सहमत नहीं, कांग्रेस के सारे नेताओं ने कमलनाथ को नकार दिया है। क्या कुछ कहा गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने, आइए सुनवाते हैं। जब उन्होंने ही टाल दिया तो बचा क्या है। मैंने तो कल ही आपके साथ प्रेस में कहा था कि विस्फोटक बैठक रहने वाली है और आपने स्वयंभू जनरल ऑफ अटॉर्नी जो अपने आप को घोषित कर रहे थे उनकी स्थिति कल देख ली होगी। सारे के सारे नेताओं ने रिजेक्ट कर दिया है उन्हें, जिनको नहीं बुलाया था फिर उनको भी जूम पे जोड़ लिया और उन्होंने भी विरोध व्यक्त कर दिया। मेरे ख्याल से कमलनाथ जी अब अपने आप को कोई सा भी फेस बताते रहे और उनकी कोर ग्रुप की टीम ने और राष्ट्रीय नेतृत्व में नकार दिया है। और नकारे भी क्यों नहीं, जब अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय के राहुल गांधी जी से मध्य प्रदेश बुला के झूठ बुलवाया है 2 लाख के कर्जे का, उन्होंने जब आइटम कहा और राहुल गांधी जी ने माफी मांगने को कहा नहीं मांगा, तो इसलिए राहुल गांधी जी ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि ये फेस नहीं होंगे। तो आपने सुना गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने साफ कहा कि उनके नेता ही कमलनाथ को नकार रहे हैं, लिहाजा सीएम फेस नाथ नहीं होंगे। विनीत पाठक हमारे संवाददाता, विनीत पाठक हमारे साथ फोनलाइन पर है। विनीत, एक बार फिर हमलावर गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, क्या कहेंगे? निशाना साधते रहते हैं गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, और जिस तरीके से बैठक हुई है दिल्ली में उसको लेकर के लगातार बीजेपी हमलावर है, क्योंकि जो राहुल गांधी का बयान आया है कि 200 सीटें इस बार मध्य प्रदेश में हम जीतेंगे और कर्नाटक की सफलता को दोहराएंगे, उसको लेकर के बीजेपी बेहद हमलावर है। कल भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि दिल को बहलाने को ये ख्याल अच्छा है राहुल बाबा, और इसी तरीके से तमाम नेता जो है वो राहुल गांधी के बयान पर कटाक्ष कर रहे हैं। साफ तौर पर गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ कमलनाथ अपने आप को सीएम फेस बता रहे हैं और स्वयंभू मुख्यमंत्री होने का दावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल ने पूरे प्रदेश की जो जनता है और जो कार्यकर्ता है उन्होंने भी दिखाया कमलनाथ का रूप है, वो भी हर कार्यकर्ता को पता है किस तरीके से विधायकों को मंत्रियों को तक मिलने की का समय नहीं दिया जाता था, और इन सब चीजों को देखते हुए मध्य प्रदेश की जनता चलिए। तो कुल मिलाकर गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो हैं एक बार फिर हमलावर हैं कांग्रेस पर, और लगातार वार और पलटवार का दौर जो है मध्य प्रदेश में तीखा हो चला है। बहुत शुक्रिया विनीत इस तमाम जानकारी के लिए।